सब्सक्राइब करें घर गृहस्थी चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, घर गृहस्थी में मैं आपके लिए बहुत सारे हिना हेयर पैक वीडियोस लाती हूं, जिनमें मैंने बहुत सारे तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, और आपने मेरे सभी हिना पैक वीडियोस को बहुत बहुत ज्यादा पसंद किया है। पर उन सभी वीडियोस के नीचे एक चीज, एक तो क्वेरी और एक तो रिक्वेस्ट बहुत कॉमन है, जैसे कि हिना से बाल ड्राई हो जाते हैं तो हमारे बाल रूखे ना हो, इसके लिए क्या करें, हमें कलर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंडीशनिंग करना है और कलर आ जाता है बालों पर, तो इसके लिए क्या करें, सिर्फ कंडीशनिंग हो और कलर ना आए। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हिना हेयर पैक बनाए कि कलर भी आ जाए और कंडीशनिंग भी हो जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सिंपल हेयर पैक बता रही हूँ, कोई वो भृंगराज का पाउडर और हिबिस्कस पाउडर, ये वो ऐसे ताम झाम मेथी पाउडर, ये सब नहीं लाना है। जो इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे वो सब आपको घर में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, मगर रिजल्ट फिर भी बहुत अच्छा आएगा। और इस हिना हेयर पैक में सबसे अच्छी बात ये है, अगर आप कंडीशनिंग करना चाहते हो तो कंडीशनिंग कर सकते हो, अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं तो भी आप इसको लगा सकते हो, और अगर आप कलरिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, आपके व्हाइट हेयर्स हैं उनको कवर करने के लिए यूज़ करते हो, तो वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो है वो है एक लोहे की कढ़ाई या लोहे का कटोरा, कोई भी लोहे का बर्तन हो आपके पास आप वो ले सकते हो। और खासकर जो लोग अपने बाल कलर करना चाहते हैं, सिर्फ कंडीशनिंग के लिए नहीं चाहिए, जिनको कलर चाहिए उनको लोहे का बर्तन ही लेना है। बट अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा कोई कलर ना आए मेहंदी का, तो फिर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और नेक्स्ट में इसमें लेने वाली हूँ मेहंदी पाउडर। आप कोई सा भी मेहंदी पाउडर जो लगाते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी का मेहंदी पाउडर लीजिए, हर्बल मेहंदी होगी तो और भी अच्छी बात है, ताकि आपके बालों को अच्छा पोषण मिले, क्योंकि जितनी अच्छी मेहंदी होगी उतना अच्छा रंग भी देगी, उतनी अच्छी कंडीशनिंग देगी। और इस मेहंदी को घोलने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ चाय पत्ती का पानी। यहाँ मैंने करीब 1 से 1.25 ग्लास पानी ले लिया है पैन में, मैं इसको गर्म कर रही हूँ। जितनी आप मेहंदी की क्वांटिटी ले रहे हैं उस हिसाब से पानी लें। अगर बालों को आप नेचुरली बरगंडी कलर देना चाहते हो तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लगाऊंगी, आप देख लेना। और बाकी मेहंदी वीडियोस के लिए भी मैं हेयर केयर प्लेलिस्ट की लिंक लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। तो इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच चाय पत्ती, ये नॉर्मल चाय पत्ती है, जो भी आप घर में यूज़ करते हो वो डाल दें। और अब हम इस पानी को 5 से 7 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेंगे, जिससे चाय पत्ती का रंग अच्छे से आ जाए। नॉर्मल पानी की बजाय हम चाय पत्ती का पानी इसलिए ले रहे हैं, उसके दो कारण हैं। एक तो जो लोग अपने बाल कलर करने के लिए, वाइट हेयर्स को कवर करने के लिए मेहंदी लगाते हैं, तो चाय पत्ती और गहरा रंग देगी मेहंदी का, क्योंकि इसका अपना रंग उसमें ऐड हो जाता है। और दूसरी बात, जिनके बाल सफ़ेद नहीं हैं वो भी चाय पत्ती का पानी डालिए, क्योंकि चाय पत्ती भी एक बहुत अच्छे कंडीशनर की तरह बालों के लिए काम करती है। चाय पत्ती का पानी बालों को शाइन देने का काम करता है, तो एक अच्छा कलर ऐड, टिंच ऐड करेगा, तो इसलिए आप ये पानी ज़रूर ऐड करें और नॉर्मल पानी में ना बनाएं। गाइज, अगर आज की वीडियो अच्छी लग रही है, ये हेयर पैक पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भी आपके दोस्त हो उनके साथ इसको शेयर करिएगा। तो दोस्तों, 5 से 7 मिनट बाद आप देखोगे कि पानी अच्छे से खौल गया है, बहुत डार्क हो गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे, और पानी में आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने कोई कलर नहीं डाला, कितना अच्छा सा कलर आया है चाय पत्ती का, क्योंकि काफ़ी देर हमने खौलाया है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पत्ती डाली थी। तो अब इसको हल्का ठंडा हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर दिया है चाय पत्ती का पानी। और दोस्तों, बहुत सारे लोग मेहंदी वीडियोस के नीचे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मेहंदी के बाद बालों में शैम्पू कब लगाएं, फिर बालों को धोएं कब, ऑयल कब लगाएं, मेहंदी के बाद इचिंग होती है कुछ लोगों को ड्राई होने की दिक्कत होती है तो क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेरीज है ना, उन सब के लिए आप वीडियो को लास्ट में देख लीजिएगा। ये हिना पैक बनाने के बाद मैं सारे आपको ऐसे टिप्स, कॉमन टिप्स दे दूंगी, जिसमें आपके इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अच्छे से इस पानी में मेहंदी को घोल लें, और फिर मिलाएंगे कुछ और चीज़ें हम इसमें। इसके बाद हमें इसमें मिलाना है 1/2 नींबू का रस। नींबू का रस उन सब लोगों के लिए अच्छा है जिनको बालों में चमक चाहिए, मजबूती चाहिए, डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके बाल या स्कैल्प बहुत ऑयली ग्रीसी रहते हैं तो वो चीज़ आपकी सॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम को, और हिना का रंग भी और कंडीशनिंग में भी बेटर करता है। बहुत से लोगों को लगता है दोस्तों, हिना बालों को ड्राई कर देती है, अगर आप सही तरीके से लगाएंगे तो बिल्कुल ड्राई नहीं करेगी। तो पहले नींबू के रस को अच्छे से मिला दें। अब हमें डालना है इसमें करीब 1 चम्मच तेल। यहाँ पे मैंने डाला है कोकोनट ऑयल, आप इसमें जुजुबा ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी अवेलेबल हो डाल सकते हो। तो ये 3 चीज़ें अभी हमने मिला ली हैं, अभी इसके बाद हम इसको अच्छे से ऐसे फेंट देंगे। अब इस मेहंदी को मैं ऐसे ही ढक दूंगी एक प्लेट से, और रात भर के लिए रख देंगे। हम रात को बना रहे हैं और सुबह इसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने से जस्ट पहले हम इसमें एक और अपना इंग्रेडिएंट डालेंगे जो बालों को बहुत शाइन देगा। और किसी ऐसी प्लेट से ढक दें जो इसमें पूरी फिक्स आ जाए, ताकि इसमें हवा ना जाए और आपकी मेहंदी जो है वो बिल्कुल ना सूखे। तो दोस्तों, अब पूरी रात के बाद मैं इसको सुबह खोल कर देख लेती हूँ।
और अब आप देख सकते हैं कि मेहंदी जो है वो बिल्कुल काली हो गई है, किनारों पे बहुत ही अच्छा डार्क कलर आ गया है। और एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो अगर आप सिर्फ कंडीशनिंग के लिए इस पैक को अपने बालों में लगा रहे हैं तो आप रात भर नहीं भी भिगोएंगे तो एक घंटे के बाद भी भिगोकर आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको डार्क कलर की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके बाल सफ़ेद हैं और आप बालों को कलर भी देना चाहते हैं तो रात भर ज़रूर भिगो के रखिएगा। और अब जब आप मेहंदी को जस्ट लगाने जा रहे हैं उससे पहले इसमें मिलाइए एक पूरा अंडा। आपको वाइट पार्ट और येलो पार्ट दोनों मिलाना है। और अगर आप अंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि मैं अंडे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो मैं यहाँ पर दही मिला रही हूँ। तो करीब 4 चम्मच मैंने यहाँ दही मिला लिया है। अगर आप अंडा मिला रहे हैं तो एक पूरा अंडा डालकर अच्छे से फेंट लें इसको। अंडा या दही जो भी आप मिला रहे हैं वो लगाने से जस्ट पहले मिलाएं। इसको मिलाने के बाद आपको इस पैक को ज़्यादा देर नहीं रखना है, फटाफट से अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने के बाद अगर आप सिर्फ कंडीशनिंग कर रहे हैं तो एक घंटे के लिए रख सकते हैं, और अगर टाइम कम है तो आधे घंटे के लिए भी रखेंगे तो भी आपके बाल सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे, कंडीशनिंग हो जाएगी उनकी। लेकिन अगर आप बालों को कलर कर रहे हैं तो आप इसको कम से कम 3 घंटे रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे तक भी रख सकते हो। मेहंदी कितनी देर रखनी है इस बात का ध्यान रखना होता है आपको सिर्फ इससे कि मेहंदी बालों पर ड्राई नहीं हो जानी चाहिए। जब तक गीली है तो चाहे 2 घंटे हो चाहे 6 घंटे आप रख सकते हो, लेकिन बालों पर मेहंदी लगे हुए ड्राई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो बालों की नमी खींचने लगती है और आपके बालों को रूखा यानी कि ड्राई बनाती है। और उसी वजह से लोग कहते हैं कि मेहंदी से बाल ड्राई हो जाते हैं। तो आप जब मेहंदी में नमी रहे तभी तक उसको धो दें। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि मेहंदी जब भी आप लगा रहे हैं आपके बाल पहले से शैम्पू होने चाहिए, उनमें तेल नहीं लगा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज मेहंदी का जो कलर है उसकी कोटिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी, क्योंकि पहले से एक ऑयल की लेयर आपके बालों पर बनी है जो रंग को नहीं चढ़ने देगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और मुझसे कई बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आपने मेहंदी में तो तेल मिलाया है फिर कैसे रंग चढ़ेगा। दोस्तों, हमने मेहंदी में तेल मिलाया है लेकिन बालों के ऊपर कोई कलर की लेयर नहीं है तो आपके बालों पर रंग चढ़ जाएगा। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अब तीसरी बात, जब आपने मेहंदी को लगा लिया है, धोने का नंबर आ गया है, तो आपको धोते वक्त ध्यान रखना है आपको नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म। बाल धोते समय आप पहली बार जब धो रहे हो मेहंदी के बाद आप शैम्पू यूज़ नहीं करोगे, सिंपल पानी से ही धो के आपको बालों से मेहंदी निकालनी है। इमीडिएटली उसी वक्त आपको शैम्पू नहीं करना है, अदरवाइज इसके जो सारे आपको इफ़ेक्ट मिले हैं और जो कलर मिला है वो भी बहुत हद तक निकल जाता है। अब आप अपने बालों को नॉर्मली धूप में सुखा लीजिए, पोंछ लीजिए, और जिस दिन आपने मेहंदी लगाई है उस दिन रात को अपने बालों में बहुत अच्छे से ऑयलिंग करिए। अच्छे से ऑयलिंग करने से यहाँ मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप अपना तेल लगाइए बालों में, आप अपने स्कैल्प में बहुत अच्छे से लगाइए, ताकि जो लोग बोलते हैं कि मेहंदी लगाने के बाद उनको खुजली होती है सर में, वो ड्राइनेस के कारण होती है, उनको खुजली नहीं होगी अच्छे से तेल लगाने से। और बालों के पूरे सिरे तक एंड्स तक लगाइए ताकि आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई ना हो, और नेक्स्ट डे आप करेंगे अगले दिन सुबह शैम्पू तब आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी होंगे और रंग भी बहुत गहरा आएगा। शैम्पू करते वक्त आपको खास ध्यान रखना है, अगर आप बालों को डाई करते हो, कलर करते हो या मेहंदी लगाते हो, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप करते हो या कोई हेयर पैक यूज़ करते हो, तो उसकी गुणवत्ता आपके बालों से उसका इफेक्ट ना जाए इसके लिए हमेशा आप कोशिश करो हर्बल शैम्पू यूज़ करने का, क्योंकि जो हर्बल शैम्पूज़ होते हैं उनमें केमिकल्स कम होते हैं। तो कोई हर्बल शैम्पू लो या फिर ऐसे शैम्पू जो पैराबिन सल्फेट फ्री हैं तो थोड़ा बालों को कम नुकसान पहुँचाएंगे आपके बालों में, से रंग भी थोड़ा ज़्यादा टाइम टिकेगा, जल्दी नहीं निकलेगा। ऐसे शैम्पू के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दिया है, वहां से ले सकते हो, देख सकते हो कि कौन से शैम्पू इस तरह के हैं। और शैम्पू करते वक्त भी आपको नॉर्मल पानी से ही बाल धोने हैं, बाल कभी भी गर्म पानी से ना धोएं वरना ड्राई होते हैं। और आप इनको सुखा लीजिए और उसके बाद देखिए कि आपके बाल कितने अच्छे दिखेंगे। अब बात आती है कि इस पैक को आप कितने कितने दिनों बाद रिपीट कर सकते हो। अगर आप कलरिंग करना करते हो और आपके पास टाइम है, बाल सफ़ेद हैं, रंगना चाहते हो, तो हर हफ्ते हफ्ते में एक बार लगा सकते हो, या 15 दिन में एक बार भी लगाओगे तो भी आपका कलर एक बार आ जाने के बाद मेंटेन रहता है उससे। और कंडीशनिंग जिनको करनी है वो भी यही कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार लगाना इस पैक को कंडीशनिंग के लिए काफ़ी होता है और कलरिंग के लिए भी। अब बात आती है दोस्तों कि हम इस पैक को कितने कितने दिन बाद रिपीट करें। ये पैक चाहे आप कंडीशनिंग के लिए लगा रहे हो या बालों को रंगने के लिए यानी कि सफेद बालों को कवर करने के लिए लगा रहे हो, दोनों ही केस में हफ्ते में एक बार लगाना इसको काफी होता है, और एक बार लगाने से आपका कलर या कंडीशनिंग दोनों बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। बस ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों का कि पहली बार में शैम्पू ना इस्तेमाल करें, रात में तेल जरूर लगाएं, और उसके बाद बालों की मजबूती, चमक और कंडीशनिंग जो होगी वो आपको बहुत ही बेहतरीन नजर आएंगे अपने बाल धोने के बाद। तो आई होप दोस्तों आपको आज का मेरा ये हिना पैक पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो के नीचे का लाइक बटन हिट कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।